हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप यार सब लोग बढ़िया ही होंगे और नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कैसे हो। और अभी रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल करके सामने आई है कि जो हमारी स्मार्ट टीवी है वो हैक हो रही है, और ये जो काम है वो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स ही करते हैं, और ये करके उसके बाद वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और पैसे वगैरह मांगते हैं, वही सब चीज़ें हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्मार्ट टीवी की, तो स्मार्ट टीवी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही फ़ोन का तो मतलब काफ़ी ऑलरेडी क्रेज़ हो चुका है, बट स्टिल जो स्मार्ट टीवी है उसका क्रेज़ अभी इतनी तेज़ी से नहीं फैला था, लेकिन जब से Xiaomi की Mi टीवी आई है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, और इंडिया में काफ़ी लोग मतलब स्मार्ट टीवी को अब प्रीफर करने लगे हैं। अपनी जो पहले डम वाली टीवी थी उसको बेच करके स्मार्ट टीवी को परचेज कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं कि हमें स्मार्ट टीवी में कैसे मतलब क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। तो मैं आपको यहीं पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है वही एंड्रॉयड सिस्टम हमारे स्मार्ट टीवी में भी पड़ा होता है। गूगल प्ले स्टोर वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, और जैसे कि फ़ोन पे आपको देखने मिलता है उसी तरीके से स्मार्ट टीवी में हमें देखने को मिल जाता है। हमें वॉइस असिस्टेंट के लिए वॉइस कमांड देने के लिए वहाँ पर भी गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट लेना पड़ता है, वो चीज़ भी हमें वहाँ देखने को मिल जाती है। उसके साथ में हमें वहाँ इनबिल्ट कैमरा भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मतलब ब्लैक हैट हैकर्स को आपकी टीवी हैक करने में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और इंटरनेट पे जो आ गया है वो आपको पता ही है कि उसमें मतलब कि फिर आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाती है, या आप कह लो कि 90% तो डेफिनेटली ख़त्म ही ख़त्म हो जाती है। आप उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं रहते हो, आपकी जो प्राइवेसी है पूरी तरीके से ओपन है, कोई भी देख सकता है। तो अभी जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है वो ये निकल करके आई है कि जो कपल थे वो मतलब अब बेडरूम में जो भी टीवी लगी थी उसमें मतलब उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई और उसको वायरल कर दिया गया, और वो बेडरूम की वीडियो थी। तो ऑफ कोर्स वो आप समझ सकते हो कि मैं कैसी किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको इससे बचना कैसे है। देखो यार, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि इनबिल्ट माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है Mi टीवी में, क्योंकि गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, और ये चीज़ मतलब कंटिन्यूसली ओपन रहता है आपकी टीवी में। तो आप इसको जा करके ऑल द टाइम मतलब ओपन करने के बजाय उसको मैनुअली आप सेट कर सकते हो कि हाँ, मुझे जब टीवी ओपन करना है, जब उसको यूज़ करना है, तभी वो चीज़ इनेबल हो, उस वो अपने आप ही डिसेबल हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका माइक्रोफोन है वो ऑल द टाइम वर्क ना करता रहे, और आपका जो इनबिल्ट कैमरा है उस पर आप मतलब कि देखिए, जब भी आपको उसको यूज़ करना हो उसी तरीके जैसे आप इसको इनेबल करते हो डिसेबल करते हो, तो उस तरीके से आपको कैमरा को भी करना है, उसको भी इनेबल और डिसेबल अपने यूसेज के हिसाब से उसको इनेबल और डिसेबल करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम की, तो आप प्ले स्टोर पे जा करके जो भी ऐप अगर आप टीवी में डाउनलोड करते हो तो आप वहाँ पे ध्यान रखो कि जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो पूरी तरीके से सिक्योर है, या फिर किसी कोई अच्छी ऐप है, या फिर मतलब कोई थर्ड पार्टी ऐप है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप से बहुत सारी चीज़ें इनेबल करवा लेता है, एक्सेस कर देते हो आप लोग, और वो फिर आपका माइक्रोफोन भी एक्सेस कर लेता है, वो फिर आपका कैमरा भी एक्सेस कर लेता है। जैसे कि आप, मैंने इस चीज़ पे पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि आपको मतलब इनेबल और डिसेबल कौन सी ऐप्स को किस किस तरीके से देना है और किसको नहीं देना है। तो यार वो वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हो मेरे चैनल पे, पहले मैंने इस तरीके की एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप जा कर के देख सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ऐप पर ध्यान देना है कि आपको ढंग की ऐप यूज़ करनी है, कोई थर्ड पार्टी कोई फालतू की ऐप नहीं यूज़ करनी है। और चौथी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्मार्ट टीवी के अपडेट्स आते हैं वो आप लोग कर लिया करो। सिक्योरिटी अपडेट्स ऐसे फालतू के लिए नहीं आते हैं, उनका भी यूसेज होता है, इसलिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जाते हैं, और उनको आप ज़रूर से अपडेट कर लिया करो। जैसे ही आपको स्मार्ट टीवी का अपडेट मिले या आपका एंड्रॉयड फ़ोन का अपडेट मिले, उस अपडेट को करना ज़रूरी होता है यार, वो मतलब फालतू के लिए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हर जो भी आपको अपडेट दिया जाता है उसमें नेक्स्ट मंथ का या जो भी सिक्योरिटी पैच होता है वो अवेलेबल होता है, तो सिक्योरिटी आपकी बनी रहती है, इससे काफ़ी हद तक आप बचे रह सकते हो।
मतलब 100% तो नहीं, बट स्टिल आप 99-95% तो ज़रूर से बचे रह सकते हो। इसमें कोई आपको खतरे वाली चीज़ नहीं दिखने, मतलब इस तरीके की जो ये हरकतें होती है ना कि कोई आपका टीवी हैक कर ले रहा, कोई फ़ोन हैक कर ले रहा, तो इससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हो, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग मेरी वीडियो अभी देख रहे हो उन लोगों में अगर किसी के पास सैमसंग की टीवी है तो वो लोग जा करके अपनी स्मार्ट सिक्योरिटी को ऑन कर सकते हो। उनकी टीवी में ये ऑप्शन दिया रहता है, तो वो लोग आप मतलब ये स्मार्ट सिक्योरिटी को ऑन कर लो तो काफ़ी हद तक आप लोग भी सिक्योर रह सकते हो। बाकी मी टीवी या जितनी भी ये टीवी फालतू की आती हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ब्रांड्स हैं, मतलब जो जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उन टीवी को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग परचेज़ करो, क्योंकि वो लोग इसी तरीके की हरकतें करते हैं। वो लोग फालतू की ऐप्स देते हैं टीवी में, फालतू के मालवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो फिर बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि आपका डेटा ब्रीच हो गया, आपकी जो प्रिवेसी है वो ब्रीच हो गई। तो इस तरीके के कंसर्न, मतलब आपको ना सिक्योरिटी से कंसर्न रखना चाहिए, बिकॉज इंटरनेट है ये यार, कुछ भी कर सकता है, तुरंत वायरल हो जाओगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो बी सिक्योर और अपनी स्मार्ट टीवी को हमेशा अपडेट रखो। और ये स्मार्ट टीवी के भी हैकिंग स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आप लोगों को इससे बच के रहना है। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप लोग ये सारी करते हो तो 99% आप लोग, मतलब ऐसा कोई चांस नहीं आएगा जिसमें आपका डेटा ब्रीच हो या आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो। तो दोस्तों बस इतना ही इस वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और जाकर के नीचे जो रेड कलर वाला बटन है यार, उसको ज़रूर से दबा लो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। और होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, और जाकर के मुझे सारे नीचे सोशल मीडिया लिंक्स जो दे रखे हैं उन पर फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।